अभी गाइस गल्फ में जो ट्रेंड में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो आ रही है वो है BMS ऑपरेटर। आपको नहीं मालूम है कि BMS ऑपरेटर क्या होता है, तो आज इस वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में BMS ऑपरेटर क्या होता है और हम BMS ऑपरेटर का क्यों यूज़ करते हैं, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, BMS के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आज का वीडियोज़ में हमारी जो टॉपिक है यही सारी टॉपिक है, और एंड ऑफ द वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैलरी बेनिफिट्स के बारे में और हम किस तरह से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा, रिक्वेस्ट करता हूं जो भी नए हैं चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह और आप देख रहे हैं जामी क्लासेस। हायरिंग मैनेजमेंट सिस्टम काम किस तरीके से करता है, सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम इस चीज़ को समझेंगे, डीपली मैनर में समझेंगे। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स आर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल बिल्डिंग सर्विस सच एज अ लाइटिंग, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन विच इज़ HVAC, फायर स्मोक डिटेक्टर एंड अलार्म्स। तो गाइज यहाँ पर ये बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो काम करता है वो एक्चुअली एक कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है इस इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। क्या जिसको मॉनिटर किया जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, सबसे पहली चीज़ जो है आपका लाइट्स है। जितना भी लाइट्स होगा, जहाँ पर कहीं भी लाइट्स होगा, जो BMS से कनेक्ट होगा, उन लाइट्स को मॉनिटर करना है, स्विच ऑन करना है, स्विच ऑफ करना है, हीट वेंटिलेशन सिस्टम को मॉनिटर करना है, कौन सा सिस्टम चल रहा है, नहीं चल रहा है, कब से चल रहा है, कौन सा सिस्टम शट डाउन है, ये सारा कुछ सेंसर के थ्रू BMS से कनेक्ट होता है और इसको आप BMS से ऑपरेट कर सकते हैं, स्विच ऑन कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम तक चलना है, फायर स्मोक डिटेक्टर वगैरह, अलार्म वगैरह, ये सब जो है BMS से कनेक्ट होता है और इससे हम मॉनिटर कर सकते हैं कहाँ पर ही फायर हुआ है, कौन सा अलार्म, कौन से बिल्डिंग में अलार्म, कौन से लोकेशन में, पर्टिकुलर लोकेशन में अलार्म जो है वो सेंस कर रहा है, ठीक है। आते हैं यहाँ पर ही जो BMS का जो एक्यूरेट जो सिस्टम वैल्यू होता है या हम इस तरह का जो ग्राफ है उस ग्राफ को यहाँ पर ही हमने अटैच किया है आपको ब्रीफ करने के लिए, आपको अच्छे समझाने के लिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा राइट साइड में जो है वो है FAS है, EMS, एलिवेटर, एनर्जी मीटर, वाटर मीटर, CCTV। ये एक वन साइड पार्ट है। अनदर साइड पार्ट है AHU, चीलर, FCU, बॉयलर, पम्प्स, VFDS, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लेते हैं, सबसे पहले AHU समझ लेते हैं गाइस। AHU स्टैंड फॉर एयर हैंडलिंग यूनिट है, जो जिसका जो काम होता है वो फ्रेश एयर को इन करना होता है और हॉट एयर को बाहर करना होता है, आउट करना होता है। चीलर्स का काम ये होता है, BMS से जो चीलर्स रूम के अंदर जो पंप वगैरह जो कनेक्ट होता है, तो BMS इस चीज़ को मॉनिटर करता है कि कौन सा पंप कितने, इसका टाइमिंग होता है पंप का, शेड्यूल होता है 6 आवर का 10 आवर का, ठीक है। कहीं कहीं पे 2 पंप रहते हैं, 1 स्टैंड बाई 1 वर्क करता है, कहीं कहीं 3 पंप रहते हैं, 2 वर्क करता है, 1 स्टैंड बाई रहता है, तो इनका अपना एक शेड्यूल रहता है। तो इस चीज़ को जो है BMS कंट्रोल करता है, शेड्यूल वगैरह उसमें डाला जाता है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। FCU फैन कूलिंग यूनिट, जहाँ पर AHU का कहाँ इस्तेमाल होता है, HVAC का सिस्टम जहाँ होता है वहाँ FCU कनेक्ट होता है, हर जगह जगह में FCU लगा होता है जो फैन जो ठंडा करता है। चीलर क्या करता है, चिल वाटर सप्लाई करता है जो रेंटेड रहता है, और वो चीलर के थ्रू जो है वो FCU के थ्रू कनेक्टेड रहता है, तो FCU उसको उस ठंडी पानी के थ्रू अपनी हवा को ठंडा करके सर्विस देता है। बॉयलर जो है जो सिस्टम है, गर्म पानी का सिस्टम है, तो बॉयलर यहाँ से बॉयलर का अपना एक पंप रूम होता है जहाँ से गर्म पानी जो इस्तेमाल होता है। बॉयलर दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से पानी बॉयल होता है, हीट होता है, और दूसरा सोलर सिस्टम से होता है। पंप्स वगैरह आप जितना भी तरह का पंप्स हैं, नॉर्मल वाटर पंप्स हैं, फायर पंप्स हैं, ठीक है, इरीगेशन का पंप्स हैं, ये सब भी BMS से कनेक्ट रहते हैं और ये भी जो है BMS को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहता है कि कौन सा पंप काम कर रहा है। अगर पंप ट्रिप करता है या पंप में किसी भी तरह का शटडाउन वगैरह होता है तो वो भी BMS में इंडिकेट करता है। VFD होता है, वैल्यूकल फ्रिक्वेंसी डिवाइस। ये चीलर्स के ऊपर में जहाँ जहाँ चीलर का सप्लाई होता है, इसमें एक पैनल बना होता है VFD बोल करके, ठीक है। ये चीलर का जो रीडिंग है, जो पैरामीटर वगैरह है, कितना टेम्परेचर पास हो रहा है, कितना इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है, कितना फ्लो है, उसका स्पीड कितना है, ये तमाम चीज़ों को VFD जो है सिस्टम को जो है सबमिट करता है, और जिससे BMS ऑपरेटर को रिपोर्ट जनरेट करने में आसानी होता है। अब आते हैं गाइस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द BMS का बेनिफिट्स क्या है एक्चुअली में, ठीक है।
तो यहाँ हम समझ लेते हैं मोर स्पेसिफिकली। आप BMS कैन हेल्प यू मैनेज द एलिमिनेशन लाइटिंग, मॉनिटर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एंड कंट्रोल द लाइटिंग विद इन योर बिल्डिंग, कट द एनर्जी कॉस्ट, मैनेज द इलेक्ट्रिसिटी यूसेज टू डिफरेंट एरिया ऑफ योर बिल्डिंग, मेंटेन अ कंफर्टेबल एटमोसफेयर, मॉनिटर क्लाइमेट, एयर फ्लो एंड टेम्परेचर। तो BMS का बेनिफिट ये होता है जो भी कंपनी जो BMS को यूज़ करती है, तो BMS तो गाइस है एक्चुअली बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स का नाम ही है कि हम बिल्डिंग को मैनेज करते हैं। तो बिल्डिंग्स में लाइट्स आ जाते हैं तो हम लाइट्स को कंट्रोल करते हैं, उसका कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग में जितना भी तरह का मशीनरी इक्विपमेंट्स पंप वगैरह यूज़ हो रहा है तो उसको भी हम लोग मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रिपेयरिंग वगैरह मेंटेनेंस करने में, या उसकी जो टेम्परेचर वगैरह है मॉनिटर करते हैं, क्लाइमेट वगैरह को मॉनिटर करते हैं, एयर फ्लो वगैरह जो चिल वाटर लाइन में सप्लाई जाता है उसको भी हम लोग मॉनिटर करते हैं। इससे हम लोगों को अपने बिल्डिंग को मैनेज करने में, बिल्डिंग के जो एसेट वगैरह उसको मैनेज करने में बहुत ही आसानी होती है और हमारा जो कॉस्ट वो हमारे कंट्रोल में होता है। दिस इज़ द यूज़ ऑफ BMS, मतलब BMS का हमको यही फ़ायदा है कि हम अपने सिस्टम को, अपने बिल्डिंग को, अपने एसेट को कंट्रोल करते हैं, अपने कॉस्ट में रखते हैं, अपने बजट में रखते हैं और इससे हमको बहुत सारा हेल्प मिलता है BMS को यूज़ करने से। अब यहाँ पर ये आते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ BMS आर देयर, कितने तरह का BMS होता है। तो गाइस यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ BMS, दो तरह का BMS होता है। नंबर वन, मॉनिटरिंग एंड टारगेटिंग द सिस्टम, डिजाइन टू मॉनिटर एनर्जी यूज एंड टारगेट द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस कमीशनिंग सिस्टम, एडजस्ट योर हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन HVAC एंड अदर सिस्टम कंटिन्यूसली टू मीट द डिमांड। दो तरह का BMS होता है, एक होता है जो सिर्फ हम मॉनिटर करते हैं, ठीक है। अब मॉनिटर करते हैं किसको मॉनिटर करते हैं, पंप वगैरह को मॉनिटर करते हैं, लाइट्स वगैरह को मॉनिटर करते हैं। दूसरा जो है हम लोग ऑपरेट करते हैं, जैसे HVAC का जितना भी FCU है उसको ऑपरेट करते हैं, चिलर लाइन को ऑपरेट करते हैं कि यहाँ पर ही कितना टेम्परेचर चाहिए। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, क्लाइंट्स का डिमांड होता है, यहाँ इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इस रूम में इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इस बिल्डिंग में इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ये टाइम में यहाँ पर ही जो है AC नहीं चाहिए, या ये चाहिए यहाँ पर ही एग्जॉस्ट का सिस्टम ज़्यादा चाहिए, या यहाँ AC का प्रेशर ज़्यादा, या कूलिंग ज़्यादा चाहिए। डिपेंड्स करता है डिमांड्स ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट के डिमांड्स के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है BMS के थ्रू आप कर सकते हो, ये भी समझने की चीज़ है। अब आते हैं बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। मिनिमम गाइस आज के जनरेशन में जितनी कंपटीशन आ गई है, कंपनी का जो डिमांड है मिनिमम डिप्लोमा मांगते, थ्री इयर्स का डिप्लोमा जो है डिमांड है मिनिमम, और वो होना चाहिए या तो मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, पॉलिटेक्निक्स भी है तो भी चलेगा। मोस्टली कंपनी प्रीफर करती है बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में, जो बैचलर डिग्री होती है वो चाहे मैकेनिकल में हो या इलेक्ट्रिकल में हो या फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। अब गाइज यहाँ पर आते हैं बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन कौन सी कंपनी जो है BMS का सॉफ्टवेयर बनाती है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है, तो यहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं। दो कंपनी है जो बहुत ज़्यादा वायरल है इंडिया में, एक है हनीवेल, एक है सीमेंस। ये दोनों कंपनी जो है BMS की सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर है ये इनका, इनके हाथ में, इनके हैंड में होता है, बहुत डिमांडेबल सॉफ्टवेयर ये लोग बनाती हैं और ये लोग का पॉपुलर कंपनी है, ब्रांडेड है इंडिया लेवल में भी और इंटरनेशनल मार्केट। अगर आप इंडिया में भी इसमें आप काम करते हैं हनीवेल में या सीमेंस के सॉफ्टवेयर में अगर आप काम करते हैं तो आप गल्फ मार्केट में भी इंटरव्यू निकालने के लिए बहुत आसानी होती है आपके लिए। और ये इंटरव्यू का सबसे कॉमन क्वेश्चन भी है, पूछा जाता है, क्लाइंट पूछते हैं कि आपने कौन से सॉफ्टवेयर में काम किया है, तो मोस्ट ऑफ द आंसर जो यही निकलता है, जो पॉपुलर आंसर या तो हनीवेल है तो सीमेंस है, ये डिपेंड्स करता है कि आप कौन से SOP में आपने काम किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल में आते हैं कि एज अ BMS ऑपरेटर की सैलरी बेनिफिट्स क्या होती है। तो सबसे पहले बता दूँ सैलरी जो होता है गाइस वो डिपेंड्स ऑन योर एलिजिबिलिटी एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के हिसाब से डिसाइड होता है। जो सोशल सर्वे है, जो मार्केट में जो प्राइस है, जो एज अ BMS ऑपरेटर जो फ्रेशर है वो $550 से अप टू हिज एक्सपीरियंस एंड हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलता है एज अ BMS ऑपरेटर। इट कैन बी मोर देन डिपेंड्स ऑन योर कंपनी बजट, और कंपनी के बजट के ऊपर भी ये डिपेंड्स करता है कि कंपनी आप कहाँ तक दे सकती है। बेनिफिट्स कैन बी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लोकल गवर्नमेंट लॉ एंड द कंपनी पॉलिसीज, मोस्टली मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर प्रोवाइडिंग फूड एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन इन फ्री ऑफ कॉस्ट
मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवल अलाउंस और ट्रैवल टिकट कैन बी डिपेंड्स कंपनी पॉलिसीज। बहुत सारी कंपनी खाने का, रहने का और जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन वो फ्री में प्रोवाइड करती है। बहुत सी कंपनी जो है वो अलाउंस दे देती है। बात रहा मेडिकल इंश्योरेंस का, वो कंपनी ही प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट लॉ होता है, या बहुत बार कंपनी उसका भी अलाउंस पे कर देती है, वो उस अलाउंस को स्प्लिट करके मंथली सैलरी में ऐड कर देती है। ट्रैवल अलाउंस, बहुत सारी कंपनी टिकट दे देती है, बहुत सारी कंपनी टिकट का ईयरली कॉस्ट को स्प्लिट कर देती है 12th मंथ में और वो आपके सैलरी के साथ ऐड कर देती है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको यहाँ पर आज इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल में ज़रूर से आप बने रहिएगा, रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शायद इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, ताकि जो भी भाई अपना गल्फ में करियर बनाना चाहते हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें, सीखें, समझें और पूछें, अपने तक इन्फॉर्मेशन को ना रखें, लोगों को तक स्प्रेड भी करें इन्फॉर्मेशन को। तो बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, योर होस्ट मोहन रहतुरे वॉचिंग जामी क्लासेस, मिलता हूँ जल्दी।